आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। आजकल उत्तर प्रदेश की पुलिस बेखौफ गुंडागर्दी पर उतर आई है। पुलिस स्टेशन में लोगों की मौत तो अब जैसे आम बात होते चली गई है। अब बरेली में भी पुलिस कर्मियों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दो पुलिसकर्मी 14 वर्षीय मासूम को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। वहीं SSP रोहित सिंह सजवाण ने भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें कि दो पुलिसकर्मी, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल, एक 14 वर्षीय युवक को लाठी से मार रहे हैं। मेरे द्वारा इसमें तत्कालीन संज्ञान लेते हुए दोनों ही पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। दोनों ही के विरुद्ध जो विभागीय कार्रवाई है उसको संस्थित कर दिया गया है और दोनों ही के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। और इस तरह की जो दुर्व्यवहार है जनता के साथ, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह के जो मामले हैं उसमें कठोर जो कार्रवाई है उनके ऊपर की जा रही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों की गुंडागर्दी इन दिनों चरम पर है। वही उच्च अधिकारियों की इस दिशा में मौन सहमति आम आदमी के लिए मुसीबत बनी हुई है। मासूम की पिटाई का यह मामला जो भी रहा हो, लेकिन मानवता के नाते ही सही, यह एक घिनौना कृत्य है और अमानवीय तौर पर जघन्य अपराध। कानून और समाज की रक्षक कही जाने वाली पुलिस आज खाकी को शर्मसार करती हुई नजर आ रही है। बरेली से अंकित पाठक, पब्लिक न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।